यूपी पुलिस में तैनात महिला थाने की महिला थाना प्रभारी का महिला सिपाही से बॉडी मसाज कराने का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ वैसे ही पुलिस विभाग में हंगामा मच गया। 13 सेकेंड का ये वीडियो इस समय पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग की किरकिरी कर रहा है। इस वीडियो में एक महिला थाना प्रभारी अपने ही थाने में तैनात सिपाही से बॉडी मसाज करा रही है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही मैडम थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया और इन पर जांच बैठा दी गई है। ये वीडियो कासगंज जिले के महिला थाने का है जहां पर तैनात महिला थाना प्रभारी मोनिता सिंह अपने ही थाने में तैनात महिला सिपाही से ऑफिस के अंदर बॉडी मसाज कराते हुए नजर आ रही है। थाना प्रभारी मोनिता सिंह को बॉडी मसाज कराते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता था कि जो मजा इनको आ रहा है वो कैमरे में कैद हो रहा है और कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और इनको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। खैर हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही महिला थाना प्रभारी मोनिता सिंह का बॉडी मसाज कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वैसे ही जिले के अधिकारियों के द्वारा वीडियो को संज्ञान में लिया गया और महिला थाना प्रभारी मोनिता सिंह को लाइन हाजिर करके उन पर जांच बैठा दिया गया है। हालांकि ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की किरकिरी करा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस वाली थाना प्रभारी का बॉडी मसाज कराने का ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8, यूपी।